सायबर गुन्हेगाराच्या शेअर ट्रेडिंगच्या फंड्याला भुलून 7,23,000 रुपये गमविणाऱ्या तरुणाला सायबर पोलिसांमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. सायबर पोलीस ठाण्यातील पथकाने तांत्रिक माध्यमातून तपास करत गुन्हेगाराच्या बँक खात्यातून तरुणाला पैसे परत मिळवून दिले. रजत भैया आसटकर 29 वर्ष टीचर्स कॉलनी नरसाळा या तरुणाला जानेवारी महिन्यात फेसबुकवर ग्लोबल वर्क ग्रुप नावाने जाहिरात दिसली. व्हॉट्सअप ग्रुपला शेअर करून लाईक केल्यास प्रति लाईक 60 रुपये मिळतील असे त्याला सांगण्यात आले होते. रजतने तसे केले असता त्याच्या खात्यावर काही पैसे जमा झाले. आरोपीवर त्याचा विश्वास झाला व तो त्याच्या टेलिग्राम ग्रुपला जोडला. त्यानंतर आरोपींनी त्याला शेअर ट्रेडिंग केल्यास जास्त नफा होईल असे आमिष दाखवले. रजतने 7,23,000 रुपये गुंतवले. मात्र आरोपींनी कुठलाही परतावा न देता त्याच्याशी संपर्क तोडला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच रजतने सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपासाला सुरुवात केली. तपासादरम्यान सायबर पोलीस ठाण्याच्या पथकाने आरोपीच्या बँक खात्याचा मनी ट्रेल काढला. त्यावरून जेथे पैसे गेले होते ती खाती गोठविण्यात आली. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून रजतला 7,23,000 रुपये परत मिळवून देण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. साइबर पुलिस थाने में दिनांक 9/1/2024 को एक कंप्लेंट आया था. उसका नाम है रजत असटकर. वो इंजीनियर है और प्राइवेट कंपनी में काम करता है. उसने फेसबुक पे ऐड देख के एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, तो एक ग्रुप उसको टेलीग्राम पे मिला. उसने उस पे जो लिंक देखा और लाइक और शेयर करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था. उन्होंने कुल मिलाकर 7,23,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट किया था. कंप्लेंट थाने में आने के बाद हमने कंप्लेंट रजिस्टर किया. उसके बाद इंक्वायरी में पता चला कि ये 8 बैंक खातों में पैसा गया है. वो जिस खाते में गया था वो 8 बैंक खाते महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल ये स्टेट से थे. वो 8 खाते हमने फ्रीज करवाए. और उसके बाद कंप्लेनेंट ने न्यायालय से वो पूरा पैसा वापस लिया है. ये जो कैसा है, वो जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दिया था उसके ऊपर ही चौकसी करके वो जो बैंक खाते फ्रीज किए थे और चौकसी के ऊपर ही कंप्लेनेंट ने कोर्ट में जाकर वो पैसा कोर्ट के आदेश से ले लिया है. इसमें कुल मिलाकर 8 बैंक खातों में पैसा कंप्लेनेंट का गया था. वो अकाउंट साइबर पुलिस ने फ्रीज किया और उसमें जो कंप्लेनेंट का चीटिंग हुआ था 7,23,500 का, वो पूरा पैसा कंप्लेनेंट को कोर्ट ऑर्डर से वापस मिला है.